अस्सलाम वालेकुम सबके दोस्त। तो क्या हाल, आज हम लोग बनाने वाले हैं इताचीन सास की। यह ड्राइंग मुझे बहुत वक्त बनानी थी। ओके, सबसे पहले हम हाथ बनाएंगे क्योंकि सास के हक कर रहे इताची को। वैसा सा कुछ पोज है लाइक वैसा सा नहीं, वो ही पोज है। ओके, सबसे पहले ये थंब बन गया, ये उसका नाखून, ये ओके, ये नाउ ये भी डन। सॉरी, ये मैंने गलती से कर लिया, इसमें मैं रेस कर लूँगा। और अब थोड़ा बस और से। आज जरा मैं जल्दी जल्दी काम करने की ट्राई कर रहा हूँ, लाइक हाथ तेज चलाने वाला। और अब वो जो उसने हाथ में यहाँ तक नहीं, शायद सास के ने कुछ पहना होता है, वो ड्रॉप कर देगा। पट्टी सी होती है वो भी बंदी हुई, अगर ठीक है मुझे फिलहाल नाम नहीं उसका था। और ये डन, अब बारी आती है। ओके, अब हम बना रहे हैं हलवो। लेकिन मैंने अभी भी स्टॉप करके दोबारा से स्टार्ट किया, अभी गलत आसानी हो लगी थी बीच में। और अब दूसरा हाथ, मैंने ये ड्राइंग इंस्टाग्राम पे देखी थी। लाइक मैं, मेरे पास कोई ड्राइंग का आइडिया नहीं आ रहा था, फिर मैं सोचा यार इंस्टाग्राम पे चेक करते हैं। तो वहाँ पे ये पिक्चर मुझे शो हुई, मैंने कहा कि यार अच्छी लग रही है, यही बनाते हैं। मैं ज़रूर यहाँ पे आपको शो करा दूँगा पिक्चर। बहुत ज़्यादा फ्लू आ गया। और ये भी डन, अब आ जाती है इससे ये चीज़, यहाँ से ऐसे कर दो लाइक ये ऐसे। अब अगला, अगले हाथ का ये जो है, ये वाला बैंड है। और एक मिनट, ये शेड यानी कि होगा कॉमिक जैसा, जैसे मांगा में नहीं ड्रॉ किया जाता ब्लैक एंड वाइट सा, और बीच में से स्क्रैचेस ऐसे से ड्रॉ होगी। मैं ज़्यादातर कलर्स यूज़ नहीं करता क्योंकि कलरिंग में मैं इतना अच्छा हूँ नहीं। अगर अगर आप लोग चाहते हो कि मैं कलरिंग भी करके आप लोगों को दिखाऊँ तो कमेंट करिएगा ज़रूर। और ये दूसरे हाथ की एल्बो भी डन। ये हो गया बाजू कंप्लीट। अब बजाय थी इताची की, कहाँ से स्टार्ट करूँ, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। इसका आर्मर इताची का। और अब बजाय थी है बालों की, ये हो गया डन। ये आ गया उसके ऊपर, ये शेड है, ये वाला ये जो है ये शेड होगा लाइक वाइट होगा ये हिस्सा, जब आप लोग देखोगे एंड पे तो आप लोगों को शो हो जाएगा मैंने क्या किया है।
ये और यार ये बाजू भी हो रहा है साथ साथ, ये हो गया शोल्डर डन, ये आ गया इसके ऊपर क्या कहते हैं इसको शेड, ये भी जैसे सास्के ने कपड़े पकड़े हुए हैं तो जो सा लाइन जाती है वो लाइन के हिसाब से कहना पड़ता, ये भी डन। और ये भी यहाँ से डन, अब बारी आती है नीचे से ज़रा, ये चकोर है पेपर लाइक बिल्कुल इक्वल है स्क्वायर। और ये भी डन, ये भी डन हो गया है, और ये होती है कंप्लीट करने की। नीचे वाले बाल तो हेयर कंप्लीट हो गए, थिंक यार शायद मेरे से थोड़ा सा यहाँ से कुछ डिफरेंट हो रहा है, मुझे अभी तो इतना याद है जितना जितना याद है उस हिसाब से कर लेते हैं। आप लोग देखवा नहीं यहाँ पे कोई फोन वगैरह कुछ पड़ा नहीं है के? तो जितना भी कर रहा हूँ सारा दिमाग से ही है। हमारी आती है ये, ये ठंड है और मेरा कमरा भी थोड़ा ठंडा हुआ पड़ा है। ये आगे शीट्स, ये भी डन, ओके। अब यहाँ से कर लो, टची को पूरा कंप्लीट कर देते हैं। ये शेड वाली लाइन है जो दूसरी लाइन लगा रहा हूँ, ये शेड की शो कराने के लिए। तची के बाजू तो नहीं है, ये यहाँ से ऐसे, ये यहाँ से ऐसे, ये टर्न, और अजमेर यही है, हाँ यही है। ओके दूसरा बाजू, आजकल डेली वीडियोस इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, ये मैंने आप लोगों को खुद ही बता दिया, क्योंकि लास्ट टाइम से आई थिंक मुझे 1 महीना होने वाला है तो, या 3 हफ्ते कंप्लीट मैं रेगुलर वीडियोस नहीं डाल पा रहा, 3 3 4 4 दिनों बाद ज़रा सा पढ़ाई का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा हुआ है तो उसमें मैनेज कर पाना भी मेरे लिए मुश्किल हो पा रहा है।
और ये हो गया डन। यहाँ भी सांस के बाद ये बैक भी डन वीडियो बहुत ज्यादा बढ़ावा होता जा रहा है, तो मुझे थोड़ी स्पीड और लगानी होगी। सॉरी कैमरा हिल गया, कैमरा हिल गया। इंग्लैंड का सब यही एक इशू होता है मुझे, और मैं भी इतना ज्यादा हिलता जुलता हूँ। मुझे पता नहीं क्यों एक जगह पर टिक के ड्रॉ होता ही नहीं। अब अनबू मास्क एंड हियर वी गो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।